जयपुर से हमारे साथ श्रवण जी जुड़े हैं, उनकी उनसे चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार श्रवण जी। नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ सर। करनी सेना ने पहले पिछले 8 महीनों से अंसारी जी को अन्य अन्य माध्यमों से ईमेल के थ्रू अन्य सभी के थ्रू जब इतनी चेताया उनको कहा, उसके बावजूद ये अक्षरमिता से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाह रहे थे। श्रवण जी, इस बात की प्रामाणिकता क्या करनी सेना के पास थी? मैं महिपाल जी से भी ये सवाल कर रहा था तो जवाब आया अखबारों के जरिए खबर मिली थी। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रामाणिकता थी, इसका विरोध पहले से ही हो रहा है और ये सब चीजें आ गई नहीं है। स्क्रिप्ट आप तक कैसे पहुंची, करनी सेना तक कैसे पहुंची? बिल्कुल सब आम लोगों तक पहुंची हुई है, पहले आम लोगों तक पहुंची है। ये चीज के इन चीजों को लेके तोड़ मरोड़ कर रहे हैं आजकल, ये प्रमोशन का माध्यम समझ के ये पहले से करते थे कि हमेशा करना चाहते। चलिए मैं आऊंगा महिपाल जी से, आपके इस सवाल पर जवाब लूंगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी साहब, दिग्विजय सिंह जी की बात पर आना चाहता हूं। उनका आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर करनी सेना ने ये प्रदर्शन किया, राजनीति साधी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ पे इनके जो सांसद हैं, बेतुके बेबाक और बिना किसी तथ्यों के बात पे जिस तरीके से वो भाषा बोलते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो भाषा बोलते हैं, जो सदन के एक जो सदन के जो सांसद हैं उनकी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जवाबदेही है और वो जवाबदेही का निर्वहन नहीं करके और जब जाति सूचक और धर्म सूचक और सांप्रदायिकताकरण करने का प्रयास करते हैं तो विरोध तो आपकी तरफ से नहीं हुआ है? हम पूरे दिन से खबर चला रहे हैं कि गिरिराज सिंह जयपुर में आकर क्या बोल के गए, लेकिन इस मंच पर सवाल हुआ तो आपका विरोध हुआ। आपकी तरफ से पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं आया या उनके नोटिस में नहीं आया, अगर आएगा तो इस देश का हर नागरिक जो हमने सुना है, आप चाहें तो दोबारा सुना देंगे। हमने सुना है, आप चाहेंगे तो दोबारा सुना देंगे। होना चाहिए, देश का हर नागरिक ये अधिकार रखता है। उनके बयान तो 3 दिन पहले आ जाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे इस मसले को राजनीतिकरण का मसला नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ सच में क्या राजस्थान के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है ऐसे मसलों के जरिए? आप लोग या इसको राजनीति का औजार बना रहे हैं? किस तरीके से आप बोलते हैं? करनी सेना को क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है? क्यों मारपीट पर उतारू होना पड़ता है? क्यों कानून हाथ में लेना पड़ता है? दिग्विजय सिंह जी ने इतनी देर क्यों की? हमें पता है यहाँ पर करनी सेना के प्रतिनिधि अध्यक्ष के तौर पर साफ तौर पर मानते हैं कि उन्होंने इसलिए कदम उठाया, कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं है। वो भोंकने वाला जरूरी हो सकता है। अविनाश जी, जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो तस्वीर है इसके बारे में आपकी क्या राय है फिलहाल? जैसे पहले ही अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित एक घटना लग रही है जिसका डायरेक्टली फिल्म के कंटेंट से कोई लगाव या कोई जुड़ाव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अभी ये नहीं पता है कि फिल्म में एग्जैक्टली क्या फिल्म जवाब दे निर्माता निर्देशक को, क्या इस बात की जवाबदेहिता नहीं बनती? महिपाल जी जवाब का सवाल है। मैं पूछना चाहूंगा इन महोदय से जो बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, हमारा जो संगठन है वो शुद्ध गैर राजनीतिक है। मैं जो भी हमारे पदाधिकारी हैं केवल एक व्यवस्था जो ये जो पूरा एक जो इसका जो नियम है वो पूरे पदाधिकारी गैर राजनीतिक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई रिलेशन नहीं है, न हम कभी कोई राजनीतिक पार्टी में हमने कभी हम लोग गए हैं नहीं ना कोई पद लिया है। तो ये कैसे ये बोल सकते हैं कि ये कोई राजनीति से प्रेरित है? राजनीति से प्रेरित होता तो शायद बीजेपी से होता तो हम बंद करवा देते, सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा इसके स्क्रिप्ट हम तक पहुंच चुकी होती, शायद बंसाली जी हमें ये बता चुके होते। राजनीति से प्रेरित होते तो सरकार में होने का मतलब आप किसी फिल्म को बंद करवा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर सामाजिक अगर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ आप करोगे, आप खुद किसी की बहन बेटियों की इज्जत के आप ऊपर आप टिप्पणी करोगे, अगर कह रहे हैं इसका मतलब आप खुद अभी तक कन्विंस नहीं है। आप क्या आप क्या आरूं क्या आरूं। आप आपका जो स्क्रिप्ट के बिना ही रणवीर सिंह हर जगह ये बोलता है कि मैं विलेन का रोल तब अदा कर रहा हूं जब दीपिका पादुकोण के साथ मेरे दो इंटीमेट सीन के लिए बंसाली ने हाँ करा, इसका मतलब हम क्या समझे? कहां पर बयान आया, कहां पर बयान ये इंडियन एक्सप्रेस का या कोई जो आपके दिल्ली का कोई अखबार है उसका ये बयान था? निशा जी आ रहा हूँ सर क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो क्या अब किसी को कोई फिल्म या सीरियल बनाने से पहले धार्मिक और
जातीय संगठनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। धार्मिक और जातीय संगठनों की महिपाल जी आप बोले भाई तो मैं बीच में नहीं बोली हूँ, तो थोड़ा इस मर्यादा को कायम रखिए, है ना। तो क्या पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, हम सब लोग समझते हैं कि ये चीजें सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, ज्ञानवर्धक तो आजकल बनना बंद हो गया है, तो उस पे इतना ज्यादा हाय तोबा करने के बजाय बेहतर होता करनी सेना सीधे संवाद स्थापित करती, सीधे अगर उनको बहुत आपत्ति थी तो वो मुकदमा दायर करती। हम लोग करते हैं जब हमको किसी बात पे, बहुत पहले कलर चैनल ने एक सीरियल उस पे आता था, उसमें उन्होंने डायन बना के एक महिला को दिखाया, तो हमको बहुत आपत्ति थी, हमने उनके ढूंढे मेल आईडी और सारा, और हमने वो आपत्ति दर्ज करवाई। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, हम ऐसे औरतों के खिलाफ होने वाले जुल्म का पुरजोर विरोध करते हैं। एक तरीका है उसको उस बात को वहां तक। एक और सवाल इसमें मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि क्या महिला के खिलाफ जब किसी तरह का अत्याचार फिल्म में हो तो ही बात आवाज उठे। मैं उसी बात पे आना चाह रही थी। भाई महिपाल ने ये बात कही कि बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उठेंगे, बोलेंगे, प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे विरोध कीजिए, लेकिन उन मासूमों के लिए भी कीजिए, उस दामनी के लिए भी कीजिए, उस पूजा के लिए भी कीजिए, और बेटियों के लिए भी कीजिए जिनकी सरेराह इज्जत लुटती है। तब भाई कोई सेना नहीं उठती है, कोई विरोध नहीं करता, तब मैदान में हम जैसे थोड़े लोग रह जाते हैं, तो वो विरोध भी होना आप दिखना चाहिए। दामनी की अगर बात करते हैं, आप अगर यूपी में जो अभी मायावती के कुछ जो तथाकथित पदाधिकारियों ने कोई बोला उसकी बात करते हैं, हर बार करणी सेना ने इसे जो ये यहाँ जो स्मारक है शहीद स्मारक वहां जाकर जितना विरोध हमसे हुआ है, जितना मैसेज हम दे सकते हैं वो हमने करा है। वो पूरा जब इंडिया, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान उसके बारे में बात करता है, तो हम भी उन तथाकथित जो आप बता रहे हो जो भी कोई छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वाला है उसके खिलाफ ये करनी सेना खड़ी हुई है। कोई बोलता है कि नहीं हुई है तो मैं मेरे एविडेंस दिखा देता हूँ। आप मेरी फेसबुक व्हाट्सएप जो मेरा जो पर्सनल मेरी उसका है सेना का, उस पर जाइए आप और पहले देखिए हमने महिलाओं के साथ जहाँ भी, मेरी पर्टिकुलर कोई राजपूत समाज की नहीं, कोई भी समाज की महिला के साथ अगर कुछ हुआ है तो महिला की इज्जत सबसे ज्यादा क्षत्रियों ने करी है और हम लोग इस इज्जत को आगे भी बनाए रखने के लिए ठीक है। इतना जिम्मेदार संगठन है उसके बावजूद कानून व्यवस्था का मसला आता है, सरकार पर बात आती है। लक्ष्मी नारायण जी जोड़ता हूँ आपसे, मुकेश सहलावत साहब, सरकार की ड्यूटी तो बनती है लेकिन चूक गए इस बार। नहीं ऐसा नहीं है, जैसा भी त्रिपाठी जी ने बताया कि राजनीति से प्रेरित लग रहा है, पर मेरा मुझे सिर्फ त्रिपाठी जी नहीं, मेरी बात सुनो, हाँ ऐसा है, पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं यूं कह रहा हूँ कि ये सोची समझी रणनीति है संजय लीला बंसाली की। उन्होंने अपने ही किसी माध्यम से करनी सेना के युवाओं को आक्रोशित करने के लिए कहीं इस बात को लीक किया है कि आपके जो चरित्र है, जो पद्मनी जी का चरित्र है, उनके साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। आप उसको क्यों नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि मैंने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से कैरेक्टर उठाया है। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से कैरेक्टर उठाया है उनका कहना है। नहीं तो उन्होंने ये चीज लीक जो की है, ये संजय लीला बंसाली के एक नॉवेल है उसको प्रतिबंधित कर रही है बीजेपी। मैं बीच में बोलना चाह रहा हूं, प्रतिबंधित कर रही है बीजेपी। मलिक जो ये जो जायसी है उनका जो ये पद्मावत जो एक उन्होंने लिखा है उनको ये पूरा एविडेंस क्यों मान रहे हैं? वो भी कोई प्रेम प्रसंग का वो नहीं है, कोई खुद कह रहे हैं कि काल्पनिक है, साहित्यकार कह चुके हैं कि काल्पनिक है। उसके बोलने से नहीं होता, वहां की जो खास जो वहां की जो लोकल फड़ है, जो आप लोग फड़ बोलते हैं मारवाड़ी में, आप लोग मैं जानता हूं में, वो जो लोकल फड़ है वहां सन जो 1302 की बात है, 1303 की ये बात है, उस 1320 सदी से आज तक वो फड़ बाची जा रही है और उसके ऊपर हमेशा ग्राम गांव में लोगों में ये बताया जाता है कि हमारी छत्राणियां कैसी थी, हमारे यहाँ हिंदुओं की जो 36 कौम की जो औरतें थी, वो जब बाहरी लोग आतंकवादी जो आतंकारी बाहर के जो आक्रमणकारी जो लोग आते थे, जब बचने की उम्मीद नहीं होती थी तो जौहर कर लिया करती थी 36 कौम की औरतें, पूरे हिंदू समाज की औरतें, कि बाहर के लोग उनके मुर्दा शरीर को भी हाथ न लगाए। इसलिए केवल जोहर का मतलब यह है अग्नि को समर्पण, और उसके बाद वहां के लोग शाखा करते थे। अब कानून इसको नहीं मानता, अब कानून इसको नहीं मानता, सती प्रथा भी प्रतिबंधित कर चुका है। सती प्रथा नहीं है ये एक सतीत्व को बचाने के लिए, महिला की लाज को सतीत्व बोलते हैं। चलिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस चीज को, मैं भी राजस्थान की जड़ों से जुड़ा हूँ। लक्ष्मी नारायण जी और विजय सोनी जी हमारे साथ हैं मकराना से, है लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताए सर, मैं इस जो घटना हुई है कानी सेना ने जो मारपीट की है संजय बंसाली से, उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जो मारपीट की है वो बॉलीवुड जगत के लिए भी एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है,
खुद भंसाली साहब कह चुके हैं, खुद डायरेक्टर कह चुके हैं कि अब हम यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल मुकेश जी से, क्या इस पूरे मसले की वो जांच कराएंगे? वो कह रहे हैं कि करणी सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं, करणी सेना के नेता कह रहे हैं ये बात। शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी, मैं चेलावत जी से जवाब लेता हूँ, उससे पहले विजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताए सर। सर मैं ये कह रहा था कि इतिहास से खिलवाड़ तो विरोध है, सही है, इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये महिपाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, कहीं कालवी जी मुकर्त बाद में सहयोग में उतर तो ना जाएंगे ना इसमें? किस प्रसंग से आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं बाद में, क्यों पहले भी आप भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। महिपाल जी जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं मुकेश जी के पास आऊंगा। पक्का मैं जवाब देना चाहूंगा। ऐसा है, लोकेंद्र सिंह कालवी उस संघर्ष का नाम है जो 20 साल से राजपूत समाज के लिए केवल अकेला वो चेहरा है जो हमेशा रोड पे उतरता है, और उसका रिजल्ट उसने दिया है, दिया समाज को। अगर कोई इसके इनके बारे में ऐसा सोचता है तो लेट कल्याण सिंह जी कालवी का उस व्यक्ति में खून दौड़ता है, जिसकी आज भी अपने जो आप कहाँ से हैं, नागौर जिले के आसपास से हैं, तो उसके हर एक घर में उनकी फोटो मिलेगी। लोकेंद्र सिंह कालवी कभी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है कि समाज को कहीं भेज दे। हमारी मान, हमारी माँ बहनों की इज्जत का मामला है, हम ऐसे ही कैसे कुछ ये गिर जाएंगे, यूं ऐसा कोई संजय लीला भंसाली आएंगे तो थप्पड़ मार देंगे। मैं आता हूं मुकेश जी आपके पास में, एक सवाल किया लक्ष्मी नारायण जी ने आपसे, क्या जांच करवाएंगे? नहीं, मेरा ये कहना है, आप भी इस बात को समझते हैं, कोर्ट भी एविडेंस के ऊपर चलती है, अगर कोई शिकायत करते हैं निश्चित रूप से सरकार उसकी जांच करवाएगी और उसके ऊपर प्रसंज्ञान लेगी। कोई शिकायत तो करे, एफआईआर हुई है झोटवाड़ा थाने में? नहीं, झोटवाड़ा थाने में एफआईआर हुई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये जब मामला एफआईआर में दर्ज हो चुका है, आप मेरी बात सुनिए, करणी सेना के कार्यकर्ताओं के 5 कार्यकर्ताओं को जब गिरफ्तार किया वो सो मोटो ही था। संजय लीला भंसाली ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए इसको आप क्या कार्रवाई काफी सो मोटो ही हुआ है वो, और आगे भी अगर ये कोई ये तो यही बता दें, जैसे महिपाल जी कह रहे हैं कि जब वो उनसे मिलने के लिए गए तब फायर किए, इनका जो एसएचओ है, उनका जो प्रशासन है, वो ये कहता है कि फायर हुए ही नहीं। एक चीज यहाँ पे सरकार के जो लोग हैं ये फिल्म सिटी प्रदेश को बनाने की बात करते हैं, और सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों होती है कि यहाँ पे एक मंच है जैसा संगठन खड़ा हो, अगर यहाँ पे 6 महीने से सतत वो लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या सरकार की सो मोटो लेके और बात करने का क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता, जिससे पूरे प्रदेश की? चलिए मैं अविनाश जी से इस पे जवाब लूंगा, एक ब्रेक में जा रहे हैं, लोगों को ये सुनना पड़े। अविनाश जी, फिल्म टूरिज्म कितना प्रभावित होगा, आपसे भी जवाब लूंगा मुकेश जी, छोटा सा ब्रेक आखिरी दौर में आएंगे जवाब के बाद।